का माहौल आप देख सकते हो, पूरा कोहरा छा रखा है भाई, धुंधी धुंध, ठंड यहाँ पे चल रही है जबरदस्त वाली, चारों तरफ आपको दिख रहा होगा धुआं ही धुआं। घरों के अंदर दिए जल रहे हैं, दिवाली मन रही है 22 तारीख को। यहाँ पे डंडे लेके खड़े हुए थे यार, तो भाई हम पे तो काम दिखाओगे, वीडियो बनाओगे किसी की? आपकी बना रहा हूँ मैं अपनी बना रहा हूँ, आप क्यों आ रहे मेरे? आप लोग के पास तो मैं चढ़ाता तो इसमें F4 में है। हाँ। कोई बैग ले गया मेरा यार, अब मैं राम राम भाइयों, स्वागत है आपका एक और नए ब्लॉग के अंदर ब्रदर्स इन फील्ड पर। आज की जर्नी होने वाली है बेहद ही ज्यादा खास, क्योंकि हम जा रहे हैं काशी विश्वनाथ। हम हैं नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर, और यहाँ का माहौल देखो यार, कितना ज्यादा क्राउड है यहाँ पे 22 तारीख को भी, जब राम जी का अयोध्या में आगमन हो चुका है और पूरी दिल्ली, पूरा देश हमारा भगवामय हो चुका है। तो आपको काशी विश्वनाथ जी के दर्शन कराएंगे, चलिए हमारे साथ इस जर्नी में। आज की जर्नी हमारी रेल में होने वाली है, क्या क्या रेल में सुविधा मिलेगी हमें, कैसी हमारी जर्नी रहेगी, पूरा आपको एक्सप्लोर करेंगे, तो चलिए हमारे साथ। भाई 9:30-11 बजे की ट्रेन थी हमारी, और हम थोड़ा सा लेट हो गए थे, सोच रहे थे कि यहाँ पर पहुँच पाएंगे टाइम से कि नहीं, पर होपफुली हम पहुँच गए यहाँ पर यार। और माहौल कुछ ज़्यादा ही है, सर्दी हम सोच रहे थे बहुत ज़्यादा होगी यहाँ पर सर्दी का ज़्यादा है नहीं, थोड़ी हाँ चलते चलते गर्मी लग रही है। तो आज की जर्नी हम करने वाले हैं ज्ञानी के साथ में, ज्ञानी मेरे साथ जा रहा है, और हम काशी विश्वनाथ धाम जा रहे हैं। वहाँ पर आपको जगह भी एक्सप्लोर करेंगे, मंदिर भी एक्सप्लोर करेंगे, और किस तरीके की हमारी जर्नी रहेगी, पहला व्लॉग रहेगा हमारी ट्रेन की जर्नी का, और ट्रेन में हमारी जर्नी किस प्रकार से बीतने वाली है देखना बहुत दिलचस्प रहेगा। मैं जानता हूँ आप लोग भी ऐसी जर्नी जरूर करना चाहते हो, लेकिन कुछ समय के कारण और कुछ लोग मजबूरी के कारण ऐसी जर्नी नहीं कर पा रहे हैं, तो आप टेंशन मत लीजिए, क्योंकि ये जर्नी मैं ऐसे करूंगा आपको लगेगा कि आप ही इस जर्नी को कर रहे हो। तो भाई हमारी ट्रेन आ चुकी है, ये है हमारी ट्रेन, ये है काशी विश्वनाथ एक्सप्रेस, जो कि इसके हैं 34 स्टेशन में से रुकेगी, और इसको तकरीबन 17 घंटे लगेंगे जो इसका टाइमिंग दे रखा है। अब देखते हैं कितना टाइम लगता है इसको 17 घंटे में पहुंचाएगी, या फिर उससे ज्यादा टाइम लगेगा या कम लगेगा, ये पूरा आपको दिखाएंगे। और ये हमारी ट्रेन आ चुकी है, भाई हमारा एसी कोच है नहीं यार, हमारा स्लीपर, हम स्लीपर में, हमने स्लीपर की टिकट बुक करी है, बहुत मुश्किल से मिली है हमें, RAC थी कन्फर्म हो गई, हाँ RAC थी हमारी, और अभी जस्ट सुबह कन्फर्म हुई है हमारी सीट, वरना हमें बैठ के जाना पड़ता यार, 17 घंटे की जर्नी बहुत डिफिकल्ट हो जाती है भैया, समझ रहे हो ना कितना तगड़ा हो जाता है सीट। रोक लो कब आया तो नहीं है, देख देख खोल रहे हैं यार, गेट कहाँ से खुलेगा समझ में नहीं आ रहा, खुल ही नहीं रहा यार, अरे अभी नहीं खुला भैया, खुलेगा कहाँ से? जनरल डिब्बा से H1 तक एकदम खुली है गाड़ी। अच्छा, पूरा अंदर से निकल के जा सकते हैं? ओके ठीक है, भाई भी ट्राई कर रहा है लेकिन खुल नहीं रही है सीट यार। अरे कोई खोल दो यार दरवाजा, आपके लगे थोड़े में, हाँ इसी में ही हमारा, उसमें से भी आ जाइए आप ना, उसमें से हो जाएगा, चलो आओ जाओ खोल लेते, ठीक है ठीक है, पहले बताते हैं आप ये, अरे तो हम तो भाई हम इधर से जाते हैं, चल चल बचा, ओ भैया भैया घुस गए हम अंदर, पर अपने वाले कोच का दरवाजा खोल दे जरा यार, अरे मर गए ऊपर से, ऊपर से खुल जाएगा, इसको उधर कर, इधर कर, अरे इधर, हाँ इसको इधर कर, हो गया, खोलो 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 भाई, हट जाओ, एक मिनट, लो भाई चढ़ गए, आराम से आओ भाई आराम से, भाई ये देखो पूरी ट्रेन खाली है हमारे लिए भाई, मजा आएगा, पहले देखिए अपना सीट नंबर यार, कौन सा है अपना सीट नंबर, क्या है अपना 39-40 ना, ओ भाई क्या सीट मिली है यार, भाई सीट जबरदस्त मिल गई यार, भाई पूरी भीड़ हो रखी है यार,
क्या नाम है आपका सर? दिनेश कुमार चौरसिया। कहाँ से आए हैं अभी आप? हम तो अभी लक्ष्मी नगर से आ रहे हैं। लक्ष्मी नगर से अभी क्या मतलब गांव वगैरह जा रहे हो या घूमने के लिए जा रहे हो? घूमने के बर गांव से आए थे, गांव फिर जा रहे हैं। अच्छा, हमारा दुकान बादशाहपुर में ही है। बादशाहपुर में तो आपकी है कौन सी वाली सीट है ये? अरे वाह, लो जी ये वाली सीट है भाई। भाई देखो आपको वॉशरूम पहले दिखाता हूँ। सबसे पहले यहाँ का वॉशरूम तो ये है भाई, यहाँ का वॉशरूम अभी तो नीट एंड क्लीन लग रहा है। अंदर का सीन दिखाते हैं, कोई है क्या भाई अंदर? बोलो, इसमें भी है भाई? आते ही ब्लॉक हो गए क्या दोनों के दोनों? बैग वगैरह रख दिया है सारा कुछ यहाँ पर। और सीट आपको दिखाता हूँ मेरी कौन सी वाली है। यहीं पर ही ज्ञान ही बैठा होगा भाई। हमारी ये ट्रेन के जो स्टॉप्स हैं वो 34 स्टॉप्स हैं और मतलब काफ़ी लंबी जर्नी होने वाली है। तकरीबन 17-18 घंटे की जर्नी होने वाली है अगर टाइम से पहुंची तो। अगर टाइम से नहीं पहुंची ना तो 24 घंटे की भी जर्नी हो सकती है। तो देखते हैं 24 घंटे की रहेगी या कैसे रहेगी। बंद नहीं हो रही है यार, खिड़की को बंद करने के चक्कर में लगे। ऊपर खुल जाए तो यार थोड़ा नज़ारा देखने को मिले। जोर लगा के ऐसा हुआ। चलो भाई होगी खिड़की। भाई ज्ञानी भाई इसको भी करो यार, इसको भी करो। ये इसको उठाना ऐसे ऊपर मार। लो भैया हो गई। बोलो चाहिए, बोलो टाटा की, बोलो लो। हम तो खुद मांग मीन के जा रहे हैं भाई। 100 रुपए कैसे दे दे हम? तो भाई कैश मिल रहा है, खुले निकालो खुले। देख रहे हो हमारे पास खुले नहीं है लेकिन दीदी के पास खुले हैं। बस जाइए, हो गया हो गया, हम साथ में ही तो है। अब ट्रेन हमारी चल पड़ी है, निकल पड़ी हमारी गाड़ी। हाँ अपुर जाएगी। अरे तो भाई दिल्ली को कर दिया हमने अलविदा। अब यहाँ से जा रहे हैं हम अगले स्टेशन की ओर। अगला स्टेशन गाजियाबाद है इसका। गाजियाबाद में आपको मिल गए और दिखाते हैं प्लेटफॉर्म का कैसा माहौल है। जर्नी तो अभी काफ़ी अच्छी लग रही है, स्मूथ लग रही है, को पैसेंजर्स भी अच्छे हैं हमारे। बातचीत करेंगे लोगों से। और अभी आपने देखा ही था माहौल कैसा था। अभी एक जो ट्रांसजेंडर होते हैं वो चढ़ गए थे और वो पैसे वगैरह मांग रहे थे उनसे। जर्नी काफ़ी अच्छी होने वाली है और आप अभी थोड़ा सा मजा लीजिए ट्रेन की जर्नी का। यमुना नदी आ चुकी है भाई, देखो यमुना नदी को क्रॉस कर रहे हैं अभी हम। बाय बाय यमुना नदी, जय यमुना मैया की। अभी हम जा रहे हैं गंगा नदी के पास यमुना नदी को क्रॉस करके। तो भाई गाजियाबाद आ चुका है, गाजियाबाद रेलवे स्टेशन। ये गाजियाबाद अपना। हाँ बहन पता नहीं है, पता नहीं है मेरे को सीरियसली। जर्नल नहीं है भाई, ये स्लीपर है। आ जाओ आ जाओ अंकल, आ जाओ आ जाओ भाई। ये अंकल है पड़े, आराम से आना अंकल, आराम से आओ। लो लो मुझे पकड़ लो, मुझे पकड़ लो। आ जाओ आ जाओ, पकड़ो पकड़ो, आ जाओ आराम से आराम से। लो बाबा। तो भाई ये है गाजियाबाद स्टेशन और यहाँ का कुछ इतिहास मैं आपको बताऊँ तो 1740 में है गाजियाबाद। यहाँ पे जो स्टेशन है इसको फाउंड किया, मतलब गाजियाबाद जो नगर है इसको फाउंडेड किया गया था वज़ीर गाजुद्दीन के नाम से। फिर इसका नाम जो हो गया था गाजुद्दीन नगर हो चुका था, उसके बाद इसका नाम अब गाजियाबाद हो चुका है। तो अभी हम गाजियाबाद पहला स्टेशन जो स्टेशन ट्रेन का है वो है गाजियाबाद। तो यहाँ पहुँच चुके हैं। तो काम दिखाओ नहीं। के वीडियो बनाओगे किसी की? आपकी बना रहा हूँ मैं, मैं अपनी वीडियो बना रहा हूँ। तो कोई कर रहा है बेटा? मैं अपनी वीडियो बना रहा हूँ। आपकी बना रहा हूँ कोई? हाँ जाओ जाओ जाओ।
भाई बदतमीजी कर रहे थे यार, पैसे मांगने के चक्कर में पैसे ना दो तो बदतमीजी करना शुरू कर देते हैं। खाना भैया पूरी सब्जी। भाई 27 मिनट के लिए खड़ी हो गई हमारी ट्रेन, 27 मिनट पहले पहुंच गई तो खड़ी हो गई। गंदा सीन है यार ये इंडियन रेलवे का अपनी का, जल्दी पहुंचने पर रुक जाती है, देर से पहुंचने पर तो भाई और देर से पहुंचती है, कभी कभी जल्दी पहुंच जाए खुश हो जाएंगे हम भी यार। फाइनली यार चल पड़ी अपनी रेल। उफ नाम क्या है? अवनी कौर। ये उसकी क्या नाम, कौन सी की बुआ है? अच्छा या खाने के लिए ले लिया अभी हमने यार, ये लिया है खाने के लिए। क्या भाई फोन पे भैया बेचने के लिए आए हैं, और अभी सब कुछ अवेलेबल मिल जाता है यार मैं अपने ट्रेन के अंदर, ये सही है। ये देखो भाई फोन पे करवा रहे हैं अपने पास, और अब ये सुविधा बहुत अच्छे से हो गई है यार। आवाज मोहताज कर दो भाई जान, मेरे भाई जान दुआ लगेगी बड़े बड़े। भाई 70 की स्पीड में चल रही है अभी हमारी ट्रेन, और ऐसा लग रहा है तूफान बना दिया इसने। खड़े हुए थे भाई यहाँ पे बंदे ना, मतलब तुम अपना कैमरा वगैरह मोबाइल वगैरह बाहर निकालोगे ना, अभी बंदे यहाँ पे डंडे लेके खड़े हुए थे यार। तो भाई कभी भी ना कैमरा अपना बाहर की साइड मत करना, डंडे मार के नीचे गिरा लेते हैं कैमरे को, और तुम अगर कूदोगे तो भाई तुम्हारी जान गई और हो जाती है यार, कैमरा वैमरा सब लेके भाग जाएंगे। तो मैंने तो अंदर कर लिया अपना कैमरा। ये देखो यार ये गाजियाबाद है। अच्छा अच्छा, क्या नाम है अंकल अपना? कहाँ से आ रहे हैं आप? मुजफ्फरनगर से। चलो अभी चले, मतलब भाई की कोशिश उतरने की। उतर जाओ उतर जाओ, शाबाश शाबाश शाबाश, आराम से आराम से आराम से। तो भाई अब अपनी ट्रेन रुक चुकी है गजरौला में, 2 मिनट का यहाँ पर आपका होल्ड होगा, और 2 मिनट बाद फिर ट्रेन चल चुकेगी। और गजरौला के बारे में आपको मैं बताता हूँ, गजरौला जो फेमस है ये ब्रांड के लिए फेमस है, यहाँ पर ऑलमोस्ट सारे ही ब्रांड यहाँ पे मिलते हैं, मतलब लाइक KFC, स्टारबक्स, आपका नज़ीर, सारे के सारे ब्रांड यहाँ पर अवेलेबल है। तो गजरौला बहुत ज़्यादा फेमस जगह है, और ये है यहाँ का स्टेशन, बस 2 मिनट का यहाँ पर है और उसके बाद हमारी ट्रेन चल देगी। तो भाई मुरादाबाद स्टेशन पर पहुंच चुके हैं अभी हम, और यहाँ पे 5 मिनट के लिए रुकेगी हमारी। मुरादाबाद स्टेशन को भाई कहा जाता है पीतल की नगरी, ये पीतल की नगरी, यहाँ पे ब्रास का पूरा इंडस्ट्री है, तो ब्रास की इंडस्ट्री आप कह सकते हो यहाँ पर। और यहाँ पे 5 मिनट का स्टे है, मैं यहाँ पे पानी खरीद लूँ यार, पहले प्यास लग रही है, पानी वगैरह लेकर फिर मैं जाता हूँ अपनी ट्रेन के अंदर। हापुड़ जंक्शन,
और हापुड़ का कुछ आपको बताएं तो यहाँ पर पाइप, स्टेनलेस और सरिया, लोहा वगैरह यहाँ का मैन्युफैक्चर होता है, तो ये हब माना जाता है लोहे वगैरह के लिए, सरिया वगैरह के लिए ये मैन्युफैक्चर यहाँ पर होता है। तो हापुड़ में अगर आप आ रहे हो, सरिया वगैरह का अगर आप कुछ चाहिए हो, तो हापुड़ हब है इस सब चीज़ों के लिए, स्टील वगैरह के लिए, लोहे की सरिया वगैरह के लिए, पाइप्स के लिए, ये हापुड़ हब है। देखिए पटरी को ठीक किया जा रहा है कुछ इस प्रकार से, देखो कौन सी मशीन है जिससे रेलवे की पटरी को ना प्लेन कर रहे हैं, थोड़ा खुदड़ी हो जाती है ना उस तरीके से, तो ये देखो किस तरीके से इनको प्लेन करा जा रहा है। मिलने जा रहे हो दोस्तों से मिलने, हमसे बात करके कैसा लगा आपको? आप मिले मुझे आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा, आप बहुत जेन्युइन पर्सन हो, शायद आपसे मिल के कोई भी ऐसा फील नहीं कर रहा है किसी अनजान आदमी से मिले। भाई तारीफ, भाई तारीफ कर रहे हो, सच में तारीफ के लायक हुआ। अच्छा, सिर्फ इसलिए क्योंकि आदमी की बातों से लग जाता है कि ये बढ़िया है घटिया है, कैसा होगा कैसा नहीं, इसका स्वभाव कैसा होगा, वो आदमी की बातों से आया, वो तुम्हें मेरी बातों से होगा यार कैसा। भाई हमें बहुत अच्छे लगे, हमें ऐसा लगा कि हमारा फ्रेंड मिल गया कोई, मतलब। तो भाई अब हम पहुंच चुके हैं अमरोहा, अमरोहा का स्टेशन थोड़ा सा टूटा फूटा सा है यार यहाँ पर। अभी आप बताइए कहाँ से लेके आपका बैग? हापुड़ के बाद से मैं चढ़ाता तो इसमें F4 में है। हाँ। कोई बैग ले गया मेरा यार, अब मैं डॉक्टर देख रहा हूँ मिल ही नहीं रहा साला हापुड़ से। हाँ, और तो आप कहाँ सीट पे नहीं थे क्या? मैं सीट पे था, मैं टॉयलेट गया था। ओहो, मतलब इसके अंदर भी चढ़ रहे हैं? करना चाहता 9998971 गाजियाबाद मुरादाबाद मेरा स्टॉपेज है। भाई देख लेना, अगर भाई किसी को इनके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन मिले तो प्लीज बता देना, इनका बैग चोरी हो गया है। अतरा पिराईची का चाय पिलो भाई, आजी गरम बढ़िया चाय पियो। और मेरे को लगता है कि यार टाइम से नहीं पहुंच पाएंगे क्योंकि ऐसा लेट, थोड़ी सी लेट चल रही है ट्रेन, धीरे धीरे जैसे ठंड बढ़ती जा रही है ट्रेन की रफ्तार कम होते जा रही है। तो भाई अपने अपने समोसे आ गए 20 रुपए किलो भैया। भाई 10 रुपए का एक समोसा कैसा लगा, कैसा है तू बता अपना एक्सपीरियंस? अच्छा है यार, बहुत अच्छा लग रहा है। पूरा खा ले पड़ेगा मुझे बाथरूम में। पानी है नहीं? बाथरूम में तो है, बाथरूम में है वो वाला पीने। दिख रहा वो बंदा कहाँ खड़ा हुआ था? सीटें खुल गई हैं, अब सोने के इंतजाम हो रहा है। इलायची का चाय पिलो भाई।
पे जाना है और ये देखिए ये ऑप्शन आता है फूड का, ये क्लिक की भाई। थोड़ी देर वेट करने के बाद देखिए आपके पास ऑप्शन आ जाता है, आप यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं आप कौन सा स्टेशन है आपका नेक्स्ट, नहीं तो आपके पास आएगा पीएनआर नंबर होता है वो यहाँ पे आपको डालना होता है, ये ऑप्शन है। जैसे हमारे पास है हमारा पीएनआर नंबर, हमने ये यहाँ पेस्ट कर दिया, ये हमारा पीएनआर नंबर है, उसके बाद हमने सबमिट कर दिया, वो हमको ऑप्शन आ जाएगा कि कौन से स्टेशन पे आपको फूड डिलीवर हो जाएगा। तो देखो ये भी ऑप्शन आ रहा है, देखो आगे हमारे पास लखनऊ है और रायबरेली है, तो हम लखनऊ पे करवा लेंगे। जैसे ही लखनऊ पे हमने क्लिक किया, अब देखिए हमारे पास रेस्टोरेंट के ऑप्शन आ जाएंगे, कौन से रेस्टोरेंट से हमें बनाना है, ठीक है ना। देखिए इतने सारे रेस्टोरेंट आ रहे हैं, अब जिस भी रेस्टोरेंट से आपको बुकिंग करनी है उस रेस्टोरेंट पे आप क्लिक करके जो भी ऑर्डर करना चाहते हैं वो ऑर्डर प्लेस कर दिए और लखनऊ पे आपके वो ऑटोमेटिक वहाँ पे डिलीवरी हो जाएगा और कैश ऑन डिलीवरी होता है, तो ये आपके लिए प्लस पॉइंट होता है। अभी हम पहुँच गए हैं हरदोई और हरदोई के अंदर दिवाली का माहौल हुआ है भाई, बहुत तगड़े वाला। ये देखो भाई ये स्टेशन है हरदोई का और देखो कोहरा कितना ज़्यादा छा रहा है यार, ठंड लग रही है जबरदस्त वाली यार यहाँ पर। क्या खा रहा है भाई? भाई हमने ना ट्रेन में खाना नहीं लिया यार, हमें विश्वास नहीं हो रहा ट्रेन में खाना। कौन से चिप्स खा रहे भाई? टमाटो। अच्छा अच्छा लग रहा है। तो भाई अब पहुंच गए हम हरदोई, ये दिवाली मना रहे हैं भाई, देखो पटाखे वगैरह सब फूट रहे हैं यहाँ पर, पूरी दिवाली मन रही है हरदोई के अंदर, तो भाई जबरदस्त दिवाली मन रही है, घरों के अंदर दिए जल रहे हैं, दिवाली मन रही है 22 तारीख को। गाना गा दो, राम आएंगे तो रंग ना सजा। देखो भाई दिवाली क्या मस्त लग रहा है यार, दिसंबर में दिवाली मन रही है और क्या चाहिए। हाँ जनवरी है, हाँ भाई जनवरी में दिवाली मन रही है भाई और क्या चाहिए। देखो यार पूरे घरों में यार दीपक लगे हुए हैं, बहुत ही रौनक हो रखी है। ये देखो ये पता नहीं कौन सा एरिया है यार अभी रेस्ट का, गुटका थुक थुक के यार क्या हाल कर दिया भाई। देखो अच्छा वाला साफ सुथरा था गुटका खाने वाले का, बुरा हाल ठीक है। क्या नहीं तो भाई सो गया है अभी, रात के मेरे ख्याल से 10:30-11 बज रहे हैं भाई। तहजीब की नगरी लखनऊ में आपका स्वागत है, हम पहुंच चुके हैं लखनऊ, तहजीब की नगरी लखनऊ। यहाँ पर 10 मिनट का स्टॉप है और 10 मिनट बाद फिर हमारी ट्रेन चल देगी लखनऊ। अरे आराम, तो भाई अब हम जा रहे हैं सोने के लिए, मैंने आपको लखनऊ तक का दिखाया और अब यार 11 बज चुके हैं और अब नींद लग रही है बड़ी जोर की, तो अब जब मेरी आंख खुलेगी ना मैं आपको वो स्टेशन दिखाऊंगा या फिर मैं सीधा काशी पहुंच कर ही आपको वीडियो दिखाऊंगा, क्योंकि अब आगे के जो स्टेशन हैं वो इतने ज़्यादा खास नहीं है, नॉर्मल स्टेशन हैं। तो मैं आपको काशी में या फिर अगर मेरी आंख खुल गई तो मैं आपको और भी स्टेशन दिखाऊंगा। मैं अब सोने जा रहा हूँ, तो मिलते हैं आपको काशी के अंदर, गुड नाइट। स्वागत है आपका मंदिरों के शहर और हमारे देश की धर्म की राजधानी बनारस में। हमारी जर्नी जो रही, हमने 17 घंटे की जर्नी तय करी इस काशी विश्वनाथ ट्रेन के अंदर दिल्ली से लेके वाराणसी तक की, और भाई ये जर्नी हमने तय करी 17 घंटे की, यहाँ पर पहुँचने तक 17.5 घंटे की, यानी कि हमारी जो ट्रेन थी वो आधा घंटा लेट रही और यहाँ पर बज रहे हैं अभी 5 और 5 बजे हमारी जो ट्रेन है वो पहुँच चुकी है काशी विश्वनाथ यानी कि बनारस यानी कि वाराणसी में। और यहाँ का माहौल आप देख सकते हो, पूरा कोहरा छा रखा है भाई, धुंधी धुंधा ठंड यहाँ पे चल रही है जबरदस्त वाली, चारों तरफ आपको दिख रहा होगा धुआं ही धुआं।
इस धुएं की नगरी के अंदर हम पहुंच चुके हैं, भोलेनाथ की नगरी के अंदर हम पहुंच चुके हैं और अब हम अपने इस ब्लॉग को यहीं पर ही एंड कर रहे हैं। कैसा लगा ब्लॉग कमेंट करके जरूर बताना। एक कमेंट से यार हमें मोटिवेशन मिलता है कि हाँ आपको वो पसंद आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अब आगे की जर्नी हम आपको नेक्स्ट ब्लॉग में बताएंगे। टिल देन अपना ख्याल रखें। जय भोलेनाथ।